हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माँ, मैंने आपको बोल दिया ना कि मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे पर क्यों नहीं करनी, कोई तो कारण होगा ना। क्या कमी है लड़के में जो तू शादी करने से मना कर रही है? माँ, कमी लड़के में नहीं, उसकी माँ में है। वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, बता ना कमी क्या है। यही कि वो पान खाती है और मुझे पान खाने वाली सास नहीं चाहिए। आशिका के लिए रिश्ता आया था, लेकिन आशिका थी दिल्ली की और रिश्ता था कानपुर का। लड़का तो भला चंगा था, लेकिन आशिका थी शहरी और उसकी होने वाली सास थी कानपुरिया। और तो और, उसे पान खाने का बड़ा शौक था और आशिका को थी पान खाने वालों से नफरत। लेकिन फिर भी अच्छे घर का रिश्ता होने की वजह से आशिका के घर वाले उसकी शादी अमर से करवा कर उसे कानपुर रवाना कर देते हैं। और गृह प्रवेश के समय उसकी सास पन्नों पान खाते हुए अपनी बहू से कहती है, आओ भाऊ आओ, शर्माओ मत, अब तक तुमको ही देखना है। आते ही क्या देखना पड़ रहा है, अगर ये अभी पान ना खाती तो क्या बिगड़ जाता इसका। आशिका अपना मन मार कर घर में आती है और सब रस्में खत्म करवाने लगती है कि तभी सोफे पर दुल्हन के जोड़े में बैठी आशिका की नज़र पीकदान पर जाती है और वो उसे हाथों में उठा कर कहती है, अरे माँ जी, ये क्या है, देखने में तो कितना सुंदर है, ये क्या है। आशिका की बात सुनकर पन्नों उसमें थूक देती है और कहती है, अरे बहू, कब से यही तो तलाश रही थी, ये है हमारा पीकदान, बोले तो स्पिट पॉट। छी छी, ये क्या झूलिया मैंने। ऐसा नहीं करो बहुरिया, रोज इसको तुमको ही धोना है। खैर, अब ये सब छोड़ो और जाओ, हमारा बेटा कमरे में तुम्हारा इंतजार करत मरा जा रहा है। पन्नों की बात सुनकर आशिका को फिर अजीब सा लगता है कि वो किन गवारों के बीच फंस गई है, जिसके बाद वो अपने कमरे में आती है जहाँ उसका पति उसका इंतजार कर रहा था और वो उसको कहता है, अच्छा वाह, तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूँ तुमको मेरी माँ का पान खाना पसंद नहीं है, लेकिन माँ अपने बचपन से ही पान खाती आ रही है और उनको उसकी आदत भी है और उनको शुगर भी है और पान से शुगर कंट्रोल में आता है ना। कितने अच्छे हैं ये, इनको बोलने का कितना अच्छा तरीका भी है। इनके लिए तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर ही सकती हूँ ना। कोई बात नहीं, मुझे माँ जी के पान खाने से कोई दिक्कत नहीं है, आप फिक्र मत करिए। ये बोलकर आशिका और अमर प्यार से गले मिलते हैं और खूबसूरत लम्हों का आनंद लेते हैं। जिसके बाद अगली सुबह आशिका जब अपनी पहली रसोई बना रही थी, तभी पन्नों पान खाकर रसोई में आकर कहती है, क्या कर रही है बहुरिया, हमको भी बता, आज नाश्ते में कौन सा व्यंजन मिलेगा। माँ जी, मैं सब बता दूंगी, लेकिन आप बस गैस से थोड़ा दूर रहिए, आपके लगातार बोलने से कहीं पान की पीक मेरे खाने में आकर न गिर जाए। कितनी मजाकिया है तू, सुबह सुबह दिन बना दिया तूने। चल ठीक है, तू लेकर आ नाश्ता, अमर भी ऑफिस जाने के लिए आता होगा। पन्नो ये बोलकर नाश्ते का इंतजार करती है और सब नाश्ता करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और लगातार पान खाने की अपनी सास की आदत को देखते हुए एक दिन आशिका उससे पूछती है, माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं। हाँ हाँ बहू, पूछना, इसमें शर्माने की क्या बात है। माँ जी, आप जो रोज रोज पान खाती हैं, उसे चबाती रहती है, थकती नहीं है क्या। बहू, बहुत छोटे थे हम जब से ये पान खा रहे हैं। अरे तेरे ससुर जी जिंदा थे तो हम दोनों में इतना प्यार था कि एक ही पान दोनों खाते थे। फिर भी माँ जी, मैंने सुना है जरूरत से ज्यादा पान खाने से मुंह छिल जाता है, आपका मुंह नहीं छिलता क्या। नहीं बहू, हम बिना चुने का मीठा पान खाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। तू बोले तो तेरे लिए भी एक पान लेकर आऊं। माँ जी, आपको अपना ये पान मुबारक हो, मैं पान वाली टॉफी खाकर काम चला लूंगी, अगर मेरा पान खाने का मन हुआ तो। ये सुनकर पन्नो फिर हंसते हुए उसकी बात को टाल देती है, जिसके बाद आशिका अपने काम करने लगती है। कुछ दिन के अंदर जब पन्नो आशिका के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो मुंह में दर्द के कारण परेशान है। उसे देखकर पन्नो कहती है, क्या बात है, मेरी बहू का चेहरा इतना लटका हुआ है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। माँ जी, पता नहीं कैसे मुंह में बड़े छाले हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कोई चिंता की बात नहीं है बहू, दिल्ली से कानपुर आई है, तेरा हवा पानी बदला है तो ये तो होगा ही ना, हो सकता है पेट में गर्मी है, तू बैठ, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आती हूँ।
ये बोलकर पन्नो वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद पल्लू में छुपाकर कुछ लेकर आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू बड़ी जोरदार दवा लाए हैं, अरे तेरा छाला ठीक हो जाएगा, बस तू अपने मुंह को खोलकर आंखें बंद कर ले। माँ जी, ऐसी कौन सी दवा है जो आंखें बंद करके मुंह खोलकर दी जाती है? भूल मत बहुरिया कि मैं तेरी सास हूँ, जो बोला है कर। ठीक होना है ना तुझे, वरना घर में शाम को भजन संध्या रख दूंगी और सारे भजन तेरे छाले वाले मुंह से गवाऊंगी। पन्नो की धमकी सुनकर आशिका मुंह खोलकर आंखें बंद करती है और पन्नो उसके मुंह में पान ठूस देती है, जिसे खाकर आशिका कहती है, बहू मैं जानती हूँ तुझे पान पसंद नहीं है, लेकिन ये मुंह के रोगों के लिए बढ़िया है, शरीर को नुकसान भी नहीं करता और छाले तो जड़ से खत्म कर देता है। आशिका पान चबाने लगती है, जिसका मीठा मीठा रस अब उसे अच्छा लगता है और थोड़ा पान चबा लेने के बाद आशिका कहती है, मारे यह पान तो मीठा और अच्छा है, मजा आ गया खाके। हाँ तभी तो दिया है बहू तुझे, इसमें तंबाकू नहीं है, ये तुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा और तेरा मुंह जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बस इसको एक दो दिन खा ले। ठीक है माँ जी, ये भी करके देख लेता, अगर इससे छाले ठीक हो गए तो वैसे भी मुझे मीठा पान कुछ बुरा नहीं लगा। आशिका कुछ दिन पान खाती है और उसके छाले ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद एक दिन वो अपनी सास के कमरे में जाती है और अपने मन में कहती है, मैंने माँ जी को उनके पान के चलते कितना कुछ बोला, लेकिन ये पान तो सच में बड़ा गुणकारी है और वैसे भी सभी को अपनी जिंदगी बराबर जीने का हक है, अगर माँ जी को पान खाना पसंद है तो मेरा उन्हें रोकने का कुछ बनता नहीं है। क्या बात है बहू, तू यहाँ मुझसे बात करने आई है या अपने आप से? कब से देखे जा रही हूँ, बस अपने में ही खोई है, बोलेगी कुछ या पान चबा रही है तभी शांत है। माँ जी, मैं यहाँ आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ, आपके पान खाने के चलते मैंने आपको बहुत बार सुनाया, लेकिन ये तो आपकी मर्जी है, आपको खाना है या नहीं खाना, और जब मैंने गूगल पर इसके फायदे देखे तो मैं तो हैरान ही हो गई, इसीलिए अब से हफ्ते में एक बार आपके साथ मैं भी पान खाऊंगी। अरे वाह बहू, ये तो बहुत बढ़िया बात है, अब से हम दोनों मिलकर पान खाएंगे, वो भी हर हफ्ते। माँ जी, एक बुरी बात भी है, वो ये कि अब से आप हफ्ते में एक ही बार पान खाएंगी, वो क्या है ना, मैंने ज्यादा पान खाने के नुकसान भी पड़े हैं और आप मेरी माँ जैसी हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी नुकसान हो। ठीक है बहुरिया, जैसा तुम बोलो, तुम्हारी तरह किसी ने आज तक इतना प्यार से समझाया नहीं हमें, और पान तो कानपुर की और कानपुरियों की जान है, खाते रहते हैं, लेकिन अब से हफ्ते में बस एक बार पान खाएंगे, वो भी दोनों सास बहू मिलकर। चल बहू, इसी बात पर मेरा पीक दान उठाना जरा। पन्नो की बात सुनकर आशिका पीक दान उठा लेती है और पन्नो उसमें पान थूक कर कहती है, जा बहू, अब तो अगले हफ्ते पान नसीब होगा, तो इस पीक दान को तब तक के लिए ना धोकर रख दे। छी माँ जी, आप अपना ये पीक दान खुद धोइए। ना बहू, मेरा पीक दान तो मेरी बहू ही धोएगी। ये बोलकर पन्नो मुस्कुराती हुई चली जाती है, जिसके बाद आशिका मुंह बनाकर पीक दान धोने जाती है और इस तरह आशिका के प्यार से समझाने पर आशिका की कानपुरिया पान खाने वाली सास पान को खाना छोड़ती तो नहीं है, लेकिन कम जरूर करती है, जिसके बाद वो पान तो खाया करती लेकिन हफ्ते में एक बार, वो भी बस अपनी बहू के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।